खेलने वाले हैं ये गेम, मैंने काफ़ी खेली हुई है, तभी मैं इसके तीसरे उस तक पहुँच चुका हूँ। ये जैसे मैंने देखे ये पंचिंग वाली गेम है एक तरह से, तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें बंदों को मारना है और हमें गिराना है और हमारे पंच से हमें पैसे मिलेंगे। देखें यहाँ पे दिख रहा है हमारे सर के प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये हेलमेट दिया गया है, और जैसे ही हम नीचे गिर जाएंगे हम आउट हो जाएंगे। तो मुझे ध्यान से खेला होगा, मैं इस गेम में पहले काफ़ी प्रो था, इतना प्रो कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता था, लेकिन आज देखें भर भरी की पिटाई हो रही है कि मैं बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल शुरू भी नहीं होता, उससे 4 साल पहले से मैं ये खेला था, तब मैंने बीच में छोड़ दिया। शिट, बंदे ने कहाँ से मुझे मारा, वो बंदे ने बहुत गंदा, देखें ये मेरा हेलमेट टूटा पड़ा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, ये गया मैं, ये निकल गया, वो मैंने गिरा दिया 6 लेवल के बंदे को। शिट, मैंने उसको मारा था, ये पता नहीं क्यों नहीं गिरा, ये मैं जाऊंगा हटना भी लकड़ी। चलो अब आओ, अरे 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 नहीं नहीं नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको एक के बाद एक मारे ही जा रहा हूँ। ओ भाई, मैंने इसको बहुत दूर फेंक दिया, तो सुबह ही उठ के आ जाएगा मेरे पास। देखें ये गई, इसको बहुत जोरदार किक पड़ गई। ओ भाई, इसको जोरदार अभी मैंने किक मार दी, बेहतरीन हो गया। नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं, असल में इसका थोड़ा सा मुक्का भी पड़ जाते हैं ना, तो वो हमें काउंट कर लिया जाता है, वो बहुत दूर फेंकने के लिए वो काफ़ी होता है, और टेक डाउन करने के लिए वो बहुत काफ़ी होता है। जैसा ये देख सकते हैं अभी मेरा नई चीज़ खुली है, क्या चीज़? ये मेरे पंच पावर बढ़ाएगी, देखते हैं आगे, ये भी खुल गया मेरा, आओ जी देखते हैं। अच्छा, ये तो 1v1 वाला है, इसमें तो मैं आराम से जीत जाता हूँ, लेकिन अभी रुक जाए थोड़ा नूबरापंदी, फिर देखते हैं। और इसी वीडियो में ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है, मतलब शॉर्ट नहीं होने वाली, इसमें हम पबजी भी खेलेंगे, इसमें हम मेरे बल्कि अलग अलग तरह की गेम्स ट्राई करेंगे। बस यार हो गया इसका बल्ला पार्टी, अभी मुझे नहीं छोड़ेगा, भाग 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 भाग, जब मैं गिरा देता हूँ ना तो मैं नहीं छोड़ता, मतलब मैं क्या करता हूँ उसको उठने ही नहीं देता। अब चलो नेक्स्ट, सो गाइस हम खेलने जा रहे हैं रेस 3D। इस गेम में क्या होता है, हमें रेस करनी होती है, अलग अलग ऑब्स्टिकल पार करने होते हैं, ऑब्स्टिकल पार करके हमें जीतना होता है यहाँ से। अब देखिए मैं कैसे जीत जाता हूँ, देख सकते हैं आप गाइस मैं कैसे, मैं हर बार जीत जाता हूँ इस लेवल में, पता नहीं क्यों लेवल्स रिपीट हो रहे हैं, अब मुझे ही नहीं पता क्यों रिपीट हो रहे हैं, और होंगे किसी वजह से। देखिए आप हवा में ही मैं डांस कर रहा हूँ, सीजन कंप्लीट हो गया। ओके चले नेक्स्ट आएगा रॉबर्ट, बड़ी अजीब सी स्किन है इस बंदे की। 2 सेकंड गाइस, सो थोड़ी सी गलती हो गई, प्रॉब्लम हो गई थी टेक्निकल, जिस वजह से मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया सीन को, सो आप देख सकते हैं ये इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस वजह से अब मैं जीत चुका हूँ। देख सकते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आई थी वीडियो, क्या नाम है, वो नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं हुई। तो सो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। पबजी तो आपसे बहुत लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ, ये बैटल रॉयल गेम है जिसमें अलग अलग मोड्स होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत से मोड्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर,
अब मैं खेलने जा रहा हूँ यहाँ पे डेथ मैच वैच में की खेलूँगा कि अभी क्या हुआ है अभी मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता ना मैं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ स्मॉल वीडियो बनाने के लिए डेथ मैच ही खेल रहा हूँ। अगर हम देखते कोई रैंडम चलो कोई बात नहीं, मैं रैंडम रूम ज्वाइन करने की सोच रहा था। आपने काफ़ी बार देखा होगा मैंने रैंडम में, आपने कहाँ देखा होगा वो वीडियो डिलीट हो गई इसलिए, मतलब वो यूट्यूब पे अपलोड होने से पहले ही मोबाइल की कुछ खराबी के कारण से डिलीट हो गई थी। अब हम देखते हैं इस वाले में क्या होता है, हम शॉटगन ही निकालेंगे। तो ये अभी स्टार्ट हो चुका है। आप सोच होंगे आपने मेरी किसी अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, मैंने कहा 98 चलाई थी, आप देख सकते हैं मुझसे कंट्रोल नहीं होती, फिर भी मैं चलाऊंगा शॉटगन। शॉटगन का एक मारो, एक मारते ही बंदा अल्लाह हाफिज हो जाता है। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं मैं एक मुस्लिम हूँ, आपको मेरी बातों से ही लगता होगा कि मैं अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज, आपको पता चल जाता होगा मैं मुस्लिम ही हूँ। सारे मुस्लिम भाई एकदम जमा के ठोक दें सब्सक्राइब। चलो जी मैंने आराम से निपट दिया बिना किसी प्रॉब्लम के, मैंने निपटा दिया। चलो भाई इसको भी निपटा दिया अब हमने, लेकिन एक और बंदा आया है जो अपनी औकात से बाहर हो रहा है। अरे यार अब क्या करूँ, कार्नेटियस चलाऊँ या शॉटगन? एक काम का तो जो कार्नेटियस चलाते हैं उसके साथ कार्नेटियस चलते हैं, जो शॉटगन चलाते हैं उसके साथ मतलब जो एआर चलाते हैं उसके कैंपिंग करके सबसे पहले तो हम चलाएंगे ये। बल तो हम ये यहाँ पे लगाएंगे, पे जीप लग रहा है यार, आज तक मैंने ऐसे स्कोप्स में खेला नहीं ना यार। देख सकते हैं ये तुम शिट। अब मेरी हेल्थ देख सकते हैं, मैं कहाँ से बचाऊँ। मेरी यही आदत मुझे खास बनाती है कि मैं 1 HP बचता हूँ और मतलब कैंपिंग भी सही ठीक ठाक कर लेता हूँ और बचता भी कभी कभार ऐसी 1 HP पे हूँ। भी मेरे मोबाइल की 60 FPS है, आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा कौन सा मोबाइल है आपके पास के मेरी 60 FPS है, तो मैं तो आप लोग की जानकारी के बता दूँ मेरे पास है मोटोरोला मोटो Z3। अब मोटोरोला मोटो Z3 की कंट्रोलिंग भी बेस्ट है और वैसे भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि चलता नहीं है हैंग होता है, नहीं ये गेमिंग मोबाइल है और बहुत अच्छा क्वालिटी का इसका मतलब सेंसर भी प्रोसेसर सेंसर वगैरह सब कुछ सही है, बेस्ट मतलब गेमिंग के लिए बेस्ट मोबाइल है। आपको मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको कोई मोबाइल लेना हो भी गेमिंग के लिए तो आप ये लें, प्रोसेसर से इसका प्रोसेसर से लेके एक एक चीज़ अच्छी है। मैं आपको YouTube चैनल खोलने के लिए गेमिंग वगैरह करने का मोबाइल चाहिए तो मैं आपको ये मोबाइल सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये मोबाइल बेस्ट मोबाइल है आज तक का, मैं जिस मोबाइल में एक्सपीरियंस किया है वो सबसे बेस्ट मोबाइल है। मैंने बहुत से मोबाइल में एक्सपीरियंस किया है लेकिन उस मेरा सबसे बेस्ट जो एक्सपीरियंस रहा है ना वो उसमें रहा है कि जो इसके होते ना बहुत अच्छा कोई प्रोसेसर है, इसका अच्छा प्रोसेसर है ना, गरम होता है, गरम तो थोड़ा बहुत होगा लेकिन हैंग ज़्यादा नहीं होगा, हैंग बहुत कम होगा ये। गाइस मैं बता दूँ अभी मैं खाना खा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, चुप हो जा रहा हूँ, 1 इंच से बचा है।
नहीं पसंद कि कोई बंदा मेरी बुलेट से 1 सेंटीमीटर से बचे। आपके सामने एक लग गई थी, इसको उसने मेरा किल चुरा लिया। शिट यार। अब क्या हम लोग कहाँ से मारा मुझे, इनको बात में से भी हम जीतने ही वाले हैं। मुझे घंटा भर नहीं पड़ता जितनी बार मैं मरूँ, ये लास्ट खेल भी हो ही गया समझो। सो अभी गाइस मैं खेलने जा रहा हूँ नेक्स्ट गेम। सो गाइस मैं खेलने जा रहा हूँ BMX2। इसमें मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं क्यों, मैं खेलता तो हूँ नहीं इसको। हम देखते हैं इस बार कैसा रहता है। मैं बहुत गम खेला इसको, बहुत कम। अभी कोई नहीं बोलेगा ये कमेंट में कि गम बोल दिया था आपने, सही है। चलिए अब मैं इसको बहुत बड़ा फैन तो नहीं कह सकते आप ना, कोई मतलब ये मतलब नॉर्मल खेलता हूँ उसको, ना मुझे इतनी पसंद है ना कुछ, इतनी पसंद वसंद तो है नहीं मुझे ये गेम। फिर भी मैं खेल लेता हूँ कभी कभार टाइम पास के लिए, ऐसे टाइम पास होता है ना उसके लिए खेल लेता हूँ। क्या बचाऊँ तो उसका विजन भी समझ में नहीं आता मुझे। आप देख सकते हैं मैं कहाँ से बचाऊँ। ओ भाई ये क्या हो गया, मैं पहुंच तो गया था, पहुंच के देख सकते हैं मैं हार गया। ये हो गया आज की वीडियो में बस इतना ही। सो मैं आपसे मिलता हूँ कल।